अनाज पा रहे हैं। अनाज 50-60 रुपए का थैला 150 का, इन्नी वड्डा नुकसान जिहड़ा है वह किनू हो रहा है थैला छुपाउण दा, साडे देश नू हो रहा ना। बीजेपी अपने प्रचार वास्ते सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रही है, साढ़े दिते हुए टैक्स में गलत इस्तेमाल कर रही है। उस टैक्स का अभी बचाने वास्ते सरकार का पैसा बचा रखे, अभी इस बीजेपी प्रचार का विरोध है। अनाज 5 किलो बजाय 25 किलो देन, 20 किलो देन, 10 किलो देने, पर मैंबर 10 किलो देन, साडा अनाज का विरोध नहीं। और अनाज स्वच्छ देन, गलिया फड़िया अनाज ना देन, ये गरीब बंदे ने जे बीमार हो गए तो इन्हों तो दवाई भी करानी होगी। इन्हों गरीब बंदियां नू अपनी दवाई इलाज कराना औखा हो जाएगा, इस करके उन्होंने जो देना है तो वधिया अनाज देन, 5 किलो बजाय 10 किलो देन देन। उस पैकिंग जो पैकेज पिछों आ रहा है, जो सरकार का देना है, जो निजी देना है तो फिर निजी अनाज खरीदन। कई जगह ते अनाज भी खराब पाया गया है, कई जगह बहुत जगह है। पैकिंग नवी चीज पुरानी, फिर भी दिले हिंदुस्तानी, क्या कहोगे? यही चीज है, पहली गल तो हिंदुस्तानी होनी नहीं चाहिए, क्यों साडे देश का नाम भारत हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं। इन्होंने गलत इनू इस्तेमाल साडे देश का नाम ही नवगढ़ रखता है, इंडिया कह दिता, भारत कह दिता, हिंदुस्तान कह दिता। साडा देश भारत है, इनू भारत रहन देन, इनू अलग दिशा ना ले जान। और दूसरी जिहड़ी ये बीजेपी अपना प्रचार कर रही है ना, ये प्रचार नू करन दा तरीका ये नहीं इन्हां दा कि इस तरीके प्रचार करन, एक ही तरीके प्रचार कर, यह प्रचार करने का इना तरीका गलत है। वधिया तरीके प्रचार करना चाहिए, अपनी पार्टी प्रचार अपने काम से अपने पैसे करना जी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। असंध के मुखिया जींद चौक से लाइव हुए हैं हम, जहां पर किसानों ने जींद चौक को पूरी तरह से जाम कर रखा है और असंध पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है। मुर्दाबाद के नारे आप देख सकते हैं लगन शुरू हो चुके हैं। जो हमारे बंदे पकड़े वो आ जाएंगे, हम छोड़ देंगे। एसएसओ साहब, एसएसओ साहब, भाई साहब बस सुन लो, जब तक बंदे पकड़े हो डाल लो, डाल लो, डाल लो, डालने को तैयार है। दिखा रहे हैं, दुखी जीतना ना खाम खाई।
संत प्रशासन और पुलिस, किसान और पुलिस दोनों आमने सामने हैं। दोस्तों सभी साथियों से अपील की ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते हैं। असंध के मुख्य जिन चौक से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं BN24 आपकी अपनी आवाज पर। असंध प्रशासन और किसान आमने सामने हैं, बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते हैं। मौके पर पहुंचे असंध SHO कमलदीप सिंह राणा और किसान आपका मामला बता दें कि आज अन्नपूर्णा दिवस का दूसरा दिन था। बीजेपी सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है और किसान विरोध कर रहे हैं लगातार। पूछो क्या बात है जी? हाँ, जबरदस्ती यहाँ पर जो होगा, आपके पास लाठी है, बंदूकें हैं, आप चला सकते हो। किसान तो खाली हाथ खड़ा है, आपकी गोली और हमारा सीना तैयार है, जब मर्जी इस चीज को परख लियो। लाठी आप पे है, गोली आप पे है, आप चलाओ, हम तो खाली हाथ खड़े हैं, जिस टाइम मर्जी मुकाबला करो। आने के चौके है ना, धक्काशाही कर दिया, धक्काशाही नहीं चलेगी, प्यार से प्रशासन मारे। जो किसान भाई सुबह रेस्ट कर रहे हैं उनको छोड़ दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ से ही लेंगे गोलियां। साहब कह रहे हैं गोली चला देंगे। अगर आपको इस प्रशासन को इतना पता है गोली चलाने का, चला के देख ले किसान कैसे बाजेंगे। नहीं अभी तो हमारे घर बैठे सारे, बाहर आ गए तो कोई दिखेगा भी नहीं। अभी जब तक यहाँ से उठेंगे, जब तक हमारे जो किसान हमारे साथी रिहा नहीं हो जाते, तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे साहब। और सीधे शब्दों में कहा किसानों ने, और असंध SHO कमलदीप सिंह राणा और साथ में पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद। असंध के मुख्य जींद चौक से दोस्तों लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं BN24 आपकी अपनी बात पर। सभी साथी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे और हमारे चैनल को फॉलो कर ले ताकि हर अपडेट पहुंचे आपके पास सबसे पहले। BN24 आपकी अपने आवाज पर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। किसान और प्रशासन आमने सामने हैं। किसानों का कहना कि जब तक हमारे साथी रिहा नहीं किए जाते, तब तक हम यहां से किसी भी सूरत में नहीं उठेंगे। और पुलिस प्रशासन रास्ता खुलवाने के लिए प्रयास करते हुए इनकी बात सुनो एक बार। चुप सारे वीरो, चुप यार। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सभी साथियों से अपील की ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते इस वीडियो को। असंध के मुख्य जिन चौक से हम लाइव हुए हैं, जहां किसान और प्रशासन आमने सामने हैं। किसानों का कहना कि जब तक हमारे साथी रिहा नहीं होंगे, हम यहां से किसी भी सूरत में नहीं हटेंगे। असंध SHO कमलदीप सिंह राणा और किसान नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं। अपने साथियों को अपनी तरफ बुला रहे हैं सारे किसान पीछे।
आज अपने साथियों को अपनी तरफ बुला रहे हैं मास्टर जी, अपने पीछे आ जाओ सारे वीर। और देखिए बीचों बीच जो ये बांस के पोल लगाए गए हैं रास्ता रोककर, मुखिया जींद चौक से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। मौके पर असंद SHO कमलदीप सिंह राणा और किसान आपस में विचार कर रहे हैं कि किस तरह से आगे काम किया जाएगा, किस तरह से रास्ता खुलवाया जाएगा, किस तरह से हमारे साथी छोड़े जाएंगे। आपके कितने साथी पकड़े गए जी? एक ही बात है हमें दाढ़ी में इतराज नहीं है, हमें बाटड़े में इतराज है, हमें नाराजगी नहीं है। जो इतराज बढ़ता जा रहा है हमें उससे नाराजगी नहीं है। हम ये कहते हैं कि जो सरकार ने थैले पे इतना पैसा लगाया है, उस थैले पे पैसा लगाने की बजाय, एडवर्टाइज करने की बजाय, सरकार गरीबों को नाज दे, उनको सुविधा दे, उनको मकान दे, उनको अच्छा प्रशासन दे, उनको जो सहायता है वो दे, जो किसानों का फसल अब डूब गई है उनको मुआवजा दे, जो देने वाली चीज है वो दे, झूठा प्रचार ना करे। अगर खट्टर, अगर मोदी तेरे में हिम्मत है तो घर के प्लाट से दे, तेरे को पता लगेगा। अरे तू तो बच्चे पालने वाला नहीं है, अरे तू निकम्मे आदमी, जब तू अपनी औरत को नहीं संभाल सकता और देश को क्या संभालेगा। हम तेरे से प्रार्थना करते हैं कि इस देश को छोड़ दे और चला जा, हमारा भी भला हो जाएगा और देश का भी भला है। आज जो ये जी जी हाँ जी हाँ ऐसा है, पहले तो सबको नमस्कार, चलो नमस्कार है सबको। हमें गरीबों को दाढ़े सरकार देती है, उसमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन जो देने का तरीका है, बांटने का तरीका है, उसको कॉस्टली करोड़ों रुपए खर्च करके अपना जो झूठा प्रचार कर रहे हैं उसमें इतराज है, इसलिए किसान ये राह धरना दे रहे हैं। नंबर दो, चार पांच साल की गली सड़ी गेहूं जो है लोगों को दे रहे हैं कि ये गरीब आदमी जल्दी मरते क्यों नहीं है, उनको मारने के लिए दे रहे हैं या उनको पालने के लिए दे रहे हैं? हमारा इतराज ये है, हम कोई दुश्मन नहीं है किसी के, हम इसी देश के रहने वाले हैं, देश उनका ज्यादा नहीं है, हमारा ज्यादा नहीं है। अगर काम करना है तो देश हित में करो, पब्लिक हित में करो, लेकिन बेलाग दाग छवि बनाकर करो, ऐसे नहीं होने देगा किसान, ये हमारी बेनती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और आपने सुना कि जिस तरह से किसान और प्रशासन आमने सामने, उनका कहना है कि जो राशन बांटा जा रहा है उसके विरोध में नहीं है, जो बांटने का तरीका है उसके विरोध किया जा रहा है, जो पैकिंग है उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जा रही है उसका विरोध किया जा रहा है, और इसका अतिरिक्त खर्च आखिर आकर आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा। अगर कोई लड़का शरारती शराब कर गया ना, अब आपके साथ है यार, आप बारे कुछ लगते हो ठीक है, आप बंधे हुए हो। ये जो अंग्रेज है ना, इन्होंने पब्लिक को काबू कैसे किया सारी दुनिया में? जो पढ़े लिखे थे उसके गले में टाई डाल दी, उसको तो गले से फांसी डाल दी, यूरे थे खैच लागे, और जुड़से लठ मारू थे उनके पेट में पेटी बना दी, पेटी तो पकड़ना कड़े जाओगा यू। अच्छा, किसी को कलम से पकड़ लिया, किसी को द्वात से पकड़ लिया, किसी को कमर से पकड़ लिया, किसी को गले से पकड़ लिया, ये रीति रिवाज वही चला रहे हैं अंग्रेजों वाले, काले अंग्रेज जो है। बेल्ट में है तू बेटा, यू आर इन बेल्ट, और बेल्ट में तेरी मजबूरी है, तेरी ड्यूटी है। मुझे शक है कि परसों तेरी सैलरी गिर के ऊपर कमल का फूल रख के दे देंगे, लाए भाई ले जा बेटा, तेरे को है इससे बचना है हमने बस। ना ही ऑनलाइन ना भाई, अरे ऑनलाइन कमल आ जाएगा भाई, जो कमल के फिर सारी दुनिया में असंध के मुख्य जींद चौक से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं दोस्तों। असंध पुलिस प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। आज जो विरोध किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो बांटी जा रही है गेहूं उसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट की जा रही है सरकार की, उसका विरोध किया जा रहा है। नाराज है क्योंकि जो खर्चा है वो अतिरिक्त जो भार है वो आखिर आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा। असंध के मुखिया जींद चौक से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो भी साथी हमारे साथ जुड़े उन्हें जी, एक साथी हमारे साथ हैं, क्या कहोगे जी आज के बारे में? ऐसे है जी, हमारा जो यहाँ पे रोज प्रदर्शन था वो पूरा कामयाब है जी। हमारे किसान छोड़ते हैं
तो हम यहाँ से धरना उठा लेंगे। अगर हमारे किसान नहीं छोड़ते तो धरना लगातार जारी रहेगा। आपके कितने साथियों को अरेस्ट किया गया है बताओगे? लगभग 15-16 साथियों को अरेस्ट किया गया है। हाँ जी, तो अब ये प्रशासन हमारे को ये आश्वासन दे रहा है कि उनको नीसिंग थाने से छोड़ दिया गया है। अभी 15-20 मिनट में आपके बीच में आ जाएंगे। हम इस चीज़ का वेट कर रहे हैं। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसानों की आवाज। और साफ और सीधे शब्दों में कहा है, जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा हम यहां से नहीं हटेंगे। असंद के मुखिया जिन चौक से दोस्तों लाइव आप सबके सामने पहुंच रही है BN24। आपकी अपनी आवाज पर सभी साथियों से अपील, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे ताकि हर अपडेट पहुंचे आपके पास सबसे पहले। BN24 सरकार मुर्दाबाद, आप देख सकते हैं काले झंडे भी हैं, काले झंडे दिखाकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। साथियों ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं BN24 आपकी अपनी आवाज पर, और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। सभी से अपील की ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दे। आज का जो हम आपको बता दें कि अन्नपूर्णा उत्सव जो मनाया जा रहा था बीजेपी के द्वारा, उसके अंदर जो राशन बांटा जा रहा है, जिस पैकिंग के अंदर वो राशन दिया जा रहा है, उसका विरोध है, क्योंकि जो खर्च है वो आम जनता के ऊपर ही पड़ेगा। और जिस तरह से लगातार ये महंगाई बढ़ती जा रही है, वो सारा बोझ आकर आम जनता के ऊपर ही पड़ता है। इसी का विरोध कर रहे हैं किसान, और साथ में अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। करीब 15-20 इन तस्वीरों को जल्द से जल्द आगे से आगे शेयर जरूर करते रहें। ये लाइव पीछे आपको BN24 की तरफ से दिखा रहे हैं। ऐसे पहले तो सबको नमस्कार मेरी ओर से। फ्रीचे आपने करवा दिया है, हमें दाने देने पे कोई इतराज नहीं है, हमें बांटने पे कोई इतराज नहीं है। पैसे देता है दे, लेकिन उसके तरीके पे इतराज है। जो मेथड नजायज अपना के और सरकार जो है मौजूदा वो पब्लिक का धन करोड़ों की बहा के खाम खा 4-5 साल की पुरानी गेहूँ दे के जो गरीबों को मारना चाह रहा है जल्दी से जल्दी, हमारा आंदोलन उसके। मास्टर जी एक बात बताइए, बड़े सीनियर और एक्सपीरियंस शख्स हैं आप, आजकल तो लोग समाज सेवा के नाम पे या कल्याण के नाम पे एक केला मरीज को देते हुए 20 लोग फोटो खिंचवाते हैं, उसकी बड़ी बड़ी तस्वीरें आती हैं, ये लोग प्रचार नहीं कर सकते अपनी इतना बड़ा नाम? ऐसा है, मैं आपके प्रश्न पे प्रश्न करूंगा। वो जो केला देने वाला एक आम आदमी है, लेकिन सरकार आम आदमी भी नहीं है। इसका करैक्टर जो है आम आदमी जैसा हो गया ना, आम मनुष्य जैसा हो गया, तो ये यहीं पे आ जाएंगे जहां वो केला देने वाला है। केला देके फोटो खिंचवाने वाले कुछ और करैक्टर के मालिक हैं। ये सरकार है और वो केला कम से कम घर से तो दे रहा है, ये घर से तो नहीं दे रहा छिलका भी। तो हमें तो उसके जो बांटने का तरीका है और गली सड़ी गेहूं निकालने का तरीका है, उस पर इतराज करने के लिए हमें। तो मास्टर जी आप खुद पढ़ाते रहे हैं और यही पढ़ाते आए हो कि सरकार एक माध्यम होती है, आम आदमी से टैक्स कलेक्शन का काम करती है और उसी टैक्स को फिर वापस आम लोगों के लिए पहुंचाती है, ये तो बिल्कुल सच है, कोई भी अपने घर से नहीं देता, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? दो बातें हैं, एक बार तो असंध से पैसा दिल्ली जाएगा, ये प्राकृतिक नियम है कि जाता जाता कुछ झड़ेगा जी, और दिल्ली से फिर असंध आएगा, रास्ते में भीड़ झड़ेगा जी।
अगर आपने पैसा देना है तो कम से कम ये साधन तो ना अपनाओ कि सारे देश का पहले पैसा इकट्ठा करो, सद में इकट्ठा कर लो, प्रधानमंत्री आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, सद हल्के को बांट जाए, सारे इंडिया का पैसा इकट्ठा करके इनमें फिर एक मलाल आ जाता है कि हम उस स्टेट को देंगे जो हमारी चमचागिरी करता है। ये कल को स्टेट के अधिकार भी छीनने चाह रहे हैं, मुंह देखकर जो टिक्के लगते हैं छीनना चाह रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री भी जो है, चाहे अपने घर में मुख्यमंत्री है लेकिन वो हमेशा मुंह बाए हमारी तरफ देखता रहे कि मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सिस्टम गलत है। पब्लिक से बुराई टैक्स होते हैं लेकिन टैक्स बधाई के लिए, टैक्स उजड़ाई के लिए नहीं है। टैक्स जो नाजायज एमएलए एमपी जो काट दिए गए उनको पेंशन देने के नहीं है। टैक्स इसलिए नहीं है कि उसके घर 3-4 दिन विमान खड़े रहे। टैक्स इसलिए नहीं है कि वो 3 लाख की चाय पिए सुबह 3.25 लाख की। टैक्स इसलिए है कि गरीब के मुंह में चाहे एक भी दाड़ा जाए वो दाड़ा देना चाहिए। मास्टर जी को सुन रहे थे जीत सिंह भिंडा, अनुभवी एक्सपीरियंस आपके मिले। अब है जीवन सिंह, बड़े लंबे समय से हम इनको देखते आ रहे हैं, किसान आपकी जो समस्याएं हैं उनकी जो मांगे हैं उन्हें हर स्तर पर उठाते हैं। आज के विरोध का क्या कारण हो सकता है? भाई बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से उसको बताया, आप भी बताइए जरा। कारण देखो ये जी, देखो सरकार ने करोड़ों रुपये लाल दिन थैले ने कल में थैला देखे ते देखो टेलीविजन दे रोज फोटो अखबारा दे रोज फोटो पता नहीं कि भुखे ने पूरी नहीं होंगी कि लोगों को मेरे फोटो जाएगी की संदेश जाएगा। इतना जुल्म 150 लाख का थैला बनया, 100 का अनाज पाया, लोगों को फड़ाया, फिर बजाओ खिलाड़ करो। इस करके अभी सानू जो किसान मोर्चे का प्रोग्राम मिलया है तो जिते प्रोग्राम करो विरोध करना, यही विरोध हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। किसानों का मोर्चा यहाँ पर आपको जीन चौक पर दिखाते हुए इन तस्वीरों को आगे से आगे शेयर जरूर करते रहे। बियॉन्ड 24 की तरफ से आपको ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें सीधी आपको जीन चौक से मिल रही हैं। हमारी पुलिस बल यहाँ पर और अब हम आपसे यहीं से विदा लेते हैं। इन तस्वीरों को आगे से आगे शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।